ठीक है जी, ये यहाँ तक दो टूल जो है वो आपके समझ में आ गए होंगे, एक तो मूव टूल था, एक जो है वो सिलेक्शन टूल था। इसके मज़ीद ये तीन चार जो टूल्स हैं ये इसी सिलेक्शन पर ही काम करते हैं, तो हम आगे चलते हैं इसी पिक्चर पर हम काम करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी ये टूल्स पहले कवर हो जाएं, फिर कल जो है इंशाल्लाह हम मज़ीद कुछ इमेजेस बनाएंगे और यहाँ पर जो भी आपके ये टेक्स्ट टूल वगैरह हैं जितने टूल्स हम पढ़ा सकते हैं उसको भी हम कोशिश करेंगे कवर करने की। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मज़ीद आ रही है, इसको हम कहते हैं लेसो टूल। राइट क्लिक जब आप करेंगे, ये देखें आपको बता रहा है लेसो टूल। बेसिकली लेसो टूल भी एक सिलेक्शन टूल है, इसकी मदद से ये फ्री हैंड टूल कहलाता है कि इसमें इस पर क्लिक करने के बाद आप जो एरिया जहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप उसे वहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपकी माउस की सिलेक्शन के ऊपर है, आपके जो है वो सिलेक्शन के ऊपर है कि आप कैसा एरिया जो है वो सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, ये फ्री हैंड आपको देता है, ठीक है। जब इसके पॉइंट को आप मिलाएंगे तो ये देखें सिलेक्शन इसकी हो गई, ठीक है। या अगर मैं सिर्फ इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और बिल्कुल बारीक भी नहीं से मैं चलाता हुआ, देखें मेरे पास में माउस नहीं है, मैं टच पैड से काम कर रहा हूँ तो ये मज़ीद वो होगा, लेकिन अगर आप माउस ले लेंगे तो आपको ये बेहतर जो है वो तौर पर आप इसमें काम कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई कलर वगैरह करना चाहें यहाँ से तो आप कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उस पर मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन किए हुए चीज़ को कलर कर सकते हैं या उसे कट भी कर सकते हैं। एक तरीका ये कार ये था, मैं कंट्रोल जेड करूँगा इसे, ठीक है, और अल्टर कंट्रोल जेड करूँगा ताकि मैं इसे कम्प्लीटली बैक कर सकूँ। ये था आपका लेसो टूल। लेसो टूल के बाद आपके पास आता है पॉलीगोनल लेसो टूल। कौन सा? पॉलीगोनल लेसो टूल। लेसो टूल आपको फ्री हैंड देता है कि आप किस तरीके से चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉलीगोनल लेसो टूल क्या करता है, ये आपका पॉइंट्स पर काम करता है कि आपने एक जगह पर क्लिक किया, दूसरी जगह पर क्लिक किया, जहाँ पर आप इसको पॉइंट्स बताते जाएंगे ये उसको जो है वो लाइन खुद ही देगा। आपको माउस का क्लिक पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जो है वो सिर्फ क्लिक करते जाएंगे और ये उसकी सिलेक्शन जो है वो कर देगा, ठीक है। इस टूल का एक और फ़ायदा है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक जगह पे क्लिक किया इस तरीके से, मैंने इस इमेज को जो है वो, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सिलेक्शन गलत हो गई है, ठीक है, तो मैं बैक पे जाऊँगा और यहाँ पर जाकर बैक स्पेस प्रेस करूँगा। क्या करूँगा? बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो जो सिलेक्शन मेरी होगी वो दोबारा डिसलेक्ट हो दी जाएगी, ठीक है। अगर मैंने कोई चीज़ सिलेक्ट कर ली है उसको दोबारा बैक करना चाहता हूँ तो मैं जो है वो बैक स्पेस की मदद से इसको कर सकता हूँ। देखिए ये मैंने एक एरिया सिलेक्ट किया यूँ ऐसे, ठीक है। अब हम बैक में जाना चाहता हूँ तो जैसे बैक स्पेस करूँगा तो ये देखें बैक होता जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से जो जो पॉइंट्स आपने यूज़ किए थे ये आप बैक कर सकते हैं सिलेक्शन से। इसके अलावा अगर ये बिल्कुल नहीं जा रहा तो आप एस्केप करके जो है वो इससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एक चीज़ आती है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है, ये आपको बड़ा ही बेहतरीन एक ऑप्शन दे देता है कि ये आपकी जो स्ट्रोक्स होती है, जो बॉर्डर लेवल होता है, जो बाउंड्री होती है, ये उसको रीड करता है। क्या करता है? रीड करता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे कलर की वेरिएशन को रीड करता हुआ, मैंने कोई क्लिक नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है, मैं जस्ट माउस को नीचे ले जा रहा हूँ और ये मुझे बता रहा है कि कहाँ कहाँ से पॉइंट आपको। अब जैसे यहाँ पर अगर कोई चीज़ देखें, ये ऊपर आना था ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर भी मैं वही फार्मूला अप्लाई करूँगा, बैक जाकर बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये अपने पिछले पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट करना है यूँ इस तरीके से, ये मैंने गमले को जो है वो सिलेक्ट किया विद इसके, ठीक है, ये इसकी एक सिलेक्शन जो है वो आ गई। या अगर मैं यहाँ से देखें इसका कोई चेहरा सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, ठीक है, जूम का मेरे पास कहाँ पे है ऑप्शन, यहाँ से देखें ये मेरे पास नेविगेटर आ रहा है,
नेविगेटर की मदद से मैं इसको मज़ीद जूम करके देख सकता हूँ, और यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा और इसको मैं बड़ा करके यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, बड़ा करने का फ़ायदा ये है कि आप इसको करीब से जो है वो जितना देखेंगे उतना आप इसकी सिलेक्शन सही कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको एक चीज़ और अभी भी समझाता चलूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। मैं इसको दोबारा वो कर लेता हूँ और एक बार मैं इसको फुल जो है वो इसमें ले आता हूँ। ये देख रहे हैं आपको ये चार चौकोर खाने बने हुए आ रहे हैं, ये पिक्सल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पिक्सल कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं पिक्सल्स के ऊपर आपकी जो है वो इमेज बनी होती है। ठीक है, जब आप उस इमेज को बिल्कुल ही जूम करके देखेंगे तो देखेंगे अब ये पिक्सल आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी पिक्सल पे आपकी जो है वो पिक्चर बनी है। देखें, ये फुल पिक्सल आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, इसी पिक्सल की साइज़ के मुताबिक हम पिक्चर बनाते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी जो है वो आपकी इमेज ज़्यादा क्लियर आएगी। ठीक है, तो हम दोबारा चलते हैं सिलेक्शन टूल की तरफ। मैंने जस्ट यहाँ से सिलेक्ट किया और ये देखें मैं जो है वो इसकी बाउंड्री को लेके जा रहा हूँ। मैं जस्ट माउस ऊपर ले जा रहा हूँ और वो खुद ही बाउंड्री को सिलेक्ट करता हुआ मुझे बता रहा है कि यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं यहीं से घुमा लेता हूँ, ज़्यादा मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं लास्ट पॉइंट जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पर इसको कर दूंगा। यहाँ पे देखें ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको जो है वो कॉपी भी कर सकता हूँ, मैं इसमें कोई भी चेंजिंग ला सकता हूँ। ठीक है, या अगर मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ इसके जो है वो बाल सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसके बाल जो है वो कलर करने हैं तो वो उसका भी एक तरीक़ेकार है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कट करना चाहता हूं तो मैं डिलीट भी कर सकता हूं इसको यहां से। मैं जो है वो इसको यहां से एक कट कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका ये कट करके आप इसमें मज़ीद कोई चीज़ या इसके दूसरे बाल ला कर या किसी और के बाल ला कर आप जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इमेज सिलेक्शन के टूल थे के तीन जो टूल हैं, ये टूल हैं आपके सिलेक्शन के। चौथा टूल भी सिलेक्शन का है, इसको भी अभी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और फिर हम मज़ीद एक टूल और भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जो एक टूल है इस पर जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें क्विक सिलेक्शन टूल आ रहा है। ठीक है, आप क्विक सिलेक्शन टूल जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करते जाएँगे तो ये उस एरिया को सिलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, बल्कि मैं पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। ये क्या करता है, ये भी आपकी कलर की वेरिएशंस को जो है वो रीड करते हुए आपकी इमेज को सिलेक्ट करता है। ठीक है, मैं एक बार ख़त्म कर देता हूं इसको एस्केप करके, या यहां से ये मर्की टूल लेके आप क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। दोबारा से देखें क्विक सिलेक्शन टूल, मिसाल के तौर पर मैंने इसको सिलेक्ट करना है, देखिए ये डायरेक्टली इसने इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं इसके साथ ये भी मिला दूं तो ये भी इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी इसको रीड करते हुए इसने सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इस कप को सिलेक्ट करता हूं तो इस कप को भी ये सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, बल्कि उसने कॉपी को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ये आपके सिलेक्शन के टूल हैं और आप इनको जो है वो कट कर सकते हैं। ठीक है जी।